हेलो गेमर्स, तो कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में स्टेट एजेंट सिमुलेटर के। तो गाइस, ये वाला गेम अब मैं काफी टाइम बाद खेल रहा हूँ। अगर आपको याद होगा तो भाई, लास्ट एपिसोड में हमने यहाँ पर अपने डॉगो के लिए जो है हाउस वगैरह बना करके रेडी कर दिया था। बट अभी मैंने यहाँ पर डॉग जो है ना वो अडॉप्ट नहीं करा है, तो इसको हम बाद में अडॉप्ट कर लेंगे। बाकी यहाँ पे ना मैंने तीन चार जो घर थे वो परचेज किए थे, जो कि मैंने रेंट पे दे दिए थे। उससे मैंने काफी अच्छा पैसा भी कमा लिया है। बाकी यार देखो, पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो रही थी मेरे साथ, लाइक ये वाला गेम ना मेरे पीसी में सही से चल नहीं पा रहा था। तो फाइनली आज मैं इसका एक और नया एपिसोड इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि अब वो प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। भाई सोचो यार, जब यार लिटरली भाई इतनी सारी चीज़ आ चुकी है ना इस गेम में। सामने हमारे घर के एक फार्म खुल चुका है भाई, सीरियसली इतना बड़ा फार्म है। और भाई क्या प्यारा लग रहा है, देख रहे हो यहाँ पर क्या है भाई। यहाँ पर कुछ अभी है फार्म में वैसे मुझे लग नहीं रहा है। ओ यहाँ पर चिकन्स वगैरह है, यहाँ पर एक बूढ़े जी बैठे हैं, इनसे बात करके देखते हैं क्या ये बेचना चाहते हैं इस रेंच को। भाई अगर बेचना चाहते होंगे ना तो मैं इसे खरीदूंगा क्योंकि इससे मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो जल्दी से इनसे बात करते हैं। हेलो, ओके फार्मर है ये, ठीक है। हाय, व्हाट आर यू डूइंग हियर। ओके, मेरे को बोलना है इनको। और सर क्या कर रहे हो आप? तो ये बोल रहा है भाई मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और क्या ही करूँगा, बैठा हूँ। तो उससे पूछते यार ये फार्म खरीदा हुआ है क्या इसने? ओके, तो ये बोल रहा है यार खरीदा तो है, मैं इसको सेल कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। तो अगर आपको ख़रीदना है तो ठीक है, मैं इससे पूछ लेता हूँ कितने का। भाई ये कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं बेच रहा है भाई? इतने का नहीं है, 10 लाख का बोल रहा है ये। मेरे बस का नहीं है भाई 10 लाख रुपये का अभी फार्म खरीदना, $90,000 बढ़ेगा अली। ठीक है, अभी यार वैसे एक काम करते हैं आज, पहले ना मैं चलता हूँ अपना किराया लेने। यार वैसे मैं सोच रहा था आज अगर मैं अपने लेना एक गाड़ी वाड़ी भी खरीद लेता ना तो मज़ा आ जाता। ठीक है, यहाँ पे कार डीलरशिप शायद आसपास ही थी ना। यार मेरे को एक मॉन्स्टर ट्रक चाहिए अपने लेना यार, ये ट्रक चला करके ना भाई मेरा सीरियसली बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है। होप सो यहाँ पर कोई मॉन्स्टर ट्रक मिल जाए मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बाकी यहाँ पे यार लैम्बोर्गिनी वगैरह भी खड़ी है, बट लैम्बोर्गिनी नहीं चाहिए अभी के लिए, अभी इतना पैसा होगा नहीं मेरे पास शायद ना। एक बार चेक करूँ कितने की है, कहाँ से पता चलेगा भाई, एक सेकेंड। आई थिंक सो ये बताएगी मैडम हमारे को, इनसे बात करते हैं। हेलो मैडम, कैसी हो? आई वॉन्ट टू सेल माई कार। नहीं 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 नहीं, मुझे कार खरीदनी है भाई, कार खरीदनी है। अच्छा, इसके ऊपर पैसे लिखे हैं यहाँ पर, ये है 22,500 का और ये वाली कार है यहाँ पर 54,000 की, और ये है लैम्बोर्गिनी। भाई कुछ ज़्यादा ही महंगी है यार। बाकी यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स वगैरह रखे हैं। अच्छा भाई हाँ, मेरे को एक मेल तो आया था कि जिसमें यहाँ पे ना एक क्रिसमस इवेंट चल रहा है, मेरे को यहाँ पे ना सारे के सारे गिफ्ट्स जो है वो कलेक्ट करना है। ठीक है, ये कलेक्ट करेंगे फिलहाल के लिए। भाई ये मेरे को ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मॉन्स्टर ट्रक, तो मैं ये परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं परचेज कर रहा हूँ। और जो सामने वाला ट्रक है ना भाई, उसको सेम ऐसी ट्रक मेरे पे भी है, उसको मैं बेच दूंगा। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए भाई वो। फिलहाल के लिए जल्दी से अपना मॉन्स्टर ट्रक लेके निकलते हैं। गाइस क्या मस्त है भाई ये। और बाकी आज ऑक्शन भी ओपन है। ठीक है, तो ऑक्शन क्या करें यार, ऑक्शन में भी एक बार रुको यार, एक काम करते हैं सीधा उतरते हैं और पहले ना यहाँ पे ऑक्शन में भी चल लेते हैं क्योंकि ऑक्शन ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पर आज। तो $100 दे दिए मैंने इसको, बाकी इसमें देखते हैं क्या बोलता है लॉन्डे। जल्दी से मेरे को यहाँ पर कोई अच्छा सा ऑक्शन दिखा दे, लेट्स सी इस ऑक्शन में क्या आ रखा है आज। यार एक तो एक कंटेनर होता है ना खाली, पता नहीं चलता है भयंकर क्या है इसके अंदर। ठीक है, लेट्स गो बिड करते हैं। बिड कैसे करना है मेरे को? ऑफर इंक्रीज करने के लिए मुझे टी दबाना है। ऑल राइट, चलो $1,400 का है ये, अभी $3,680 की बिड लग चुकी है भाई, 3,972 पहुँच चुकी है। चलो लास्ट, ऑल राइट गाइस। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने एक ऑक्शन खरीद लिया है 3,000 कुछ का। ठीक है, एंड लेट्स सी सेकंड वाला ऑक्शन कितने का आता है। ठीक है, इस पर भी जल्दी जल्दी बिड लगाते हैं। 1,322, ये भी मैक्सिमम 5,000 तक लूँगा मैं, उससे ज़्यादा तो लूँगा नहीं। ठीक है, फिर यार नुकसान भी हो सकता है अपने को ना भाई, 5,000 तक का वेट करते हैं, रुको। ऑल राइट गाइस, तो हमने यहाँ पर दो कंटेनर फिलहाल के लिए खरीद लिए हैं और मैं नहीं खरीदने वाला हूँ। ठीक है, अभी जो हमारे कंटेनर्स हैं ना वो घर पे पहुँच जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ यार अपना रेंट लेने। यार रेंट कैसे लूँगा मैं अपना आज का, चिट भाई रेंट लेना था मेरे को इनसे अपना। यार ये दिक्कत हो जाएगी यार, मेरे को कहाँ से जाना है, यहाँ से यहाँ, पता नहीं ये रेंट देगा नहीं देगा मेरे को। अब रात हो चुकी है, कहीं यार ये सोने ना चले गए हों। ठीक है, अगर ये सोने चले गए होंगे ना तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेट्स सी, फिलहाल के लिए जाकर देखते हैं एक बार, नहीं तो मेरे को वहाँ से खाली हाथ आना पड़ेगा यार। दो दिन का एक साथ रेंट देंगे, वैसे मुश्किल लग रहा है मेरे को। अगर दो दिन का भी रेंट दे देंगे तो ठीक है, मज़ा आ जाएगा भाई फिर तो। या मेरे को ना अभी वो एक बड़ी वाली जगह थी यहाँ पर कहीं, ये देखो मिल गई, ये वाली जगह ना मेरे को ख़रीदनी है यार यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे को अपना घर बनाना है। एक काम करता हूँ, इसको मैं ख़रीद लेता हूँ
और यहाँ पर बनाएंगे अपना, यहाँ पर जो सबसे बड़ा वाला घर होगा ना उसको बनाएंगे, ये वाला है नहीं, एक, हाँ 1,000, 1,22,000 का घर है ये, तो इस वाले घर को बिल्ड करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए बस यार वो पैसे दे दे यार मेरे को भाई, प्लीज़ पैसे दे देना प्लीज़। यार इसका कैमरा आसपास नहीं हो सकता क्या? ऑलराइट ठीक है, चलो अभी ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा ही जूम आउट हो रहा था वो कैमरा। अभी वैसे यहाँ पर भी था यार एक और, बट ठीक है चलो कोई नहीं, कहीं भी बना लो, सबका सेम ही प्राइस है यहाँ पर ना इन चीज़ों का, तो ज़मीन का मतलब सेम प्राइस है, बाकी घरों का अलग अलग है। भाई नहीं है यार ये लोग, और यहाँ पर सामान पड़ा है, ओ याद आया मेरे को, मैंने सामान ख़रीदा था और लिया नहीं था यहाँ से, तो इसको मैं ले लेता हूँ, ये मेरे काम आ जाएगा ठीक है खाने पीने में। ऑल राइट यार चले गए यार वो लोग, शिट अभी कुछ नहीं कर सकते। एक काम ये करता हूँ मैं, इससे जाता हूँ जल्दी से सोकर आता हूँ ठीक है, नहीं तो गाड़ी से जाऊँगा ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ऑल राइट गाइज, फिलहाल के लिए मैं वापस से आ चुका हूँ कैमडन टाउन में, अभी फटाफट से एक काम करते हैं, पहले ना इससे रेंट लेते हैं भाई, $5,800 इससे मिल जाएंगे, तो लेट्स सी, आई हैव नो मनी, आई विल पे द रेंट लेटर। इसको क्या करूँगा इस, थोड़ा सा टाइम दिया जाए आज के लिए, एक काम करते हैं इसको ना आज के लिए हम टाइम दे देते हैं ठीक है, शायद ही हमारे को कल यहाँ पर रेंट दे देगा ठीक है, बाकी इस वाले से रेंट ले लेते हैं फिलहाल के लिए जा करके, शायद यार ये तो रेंट दे देगा आज। हाय हाय, यू विल पे द रेंट, यार ये भी यही बोल रहा है यार, आज ये भी रेंट नहीं दे रहा है भाई, क्या ड्रामा चल रहा है इनका आज। क्या करूँ भाई, इसको भी चलो आज के लिए टाइम दे देता हूँ ठीक है, बस आज आज का टाइम है, अगर इसने नहीं दिया ना रेंट तो उसको भाई पे लूँगा मैं ढंग से आज ठीक है, आज इसकी हम फिल्म पिलाई करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक और घर जो है ना बिक रहा है गाइस, तो ठीक है फटाफट से काम करते हैं, ये वाला रेंट वाला हाउस जो है वो भी ले लेते हैं हम ठीक है। अरे मैडम एक काम करो, दिस इज़ टू हाई, इट्स अ डील, नहीं, दिस इज़ मोर एक्सपेंसिव देन आई थॉट, तो इसको मैं यहाँ पर ना ऑफर करता हूँ $15,000 ठीक है, $15,000 में देगी ये, मुश्किल लग रहा है शायद दे दे। ऑल राइट गाइज, हमने यहाँ पर $15,000 में ये वाला घर ले लिया है, इसको रेनोवेट करेंगे और इसको हम चढ़ाएंगे रेंट पे ठीक है। फिलहाल के लिए एक घर और है यहाँ पर बड़ा सा, तो शायद मैं इसको भी रेंट पे डाल सकता हूँगा भाई, देखो अपना बिजनेस बढ़ाना है तो यही तरीका है, और कोई तरीका यहाँ पर है नहीं। $8,858 में बोल रहा है, तो इसका भी मेरे को प्राइस थोड़ा सा हाई लग रहा है, तो एक काम करते हैं इसको भी थोड़ा सा मैं ऑफ़र देता हूँ 7,000 का भाई, 1,000 भी कम हो रहा है तो बहुत है मेरे हिसाब से ठीक है, 7,000 का ऑफ़र देते हैं, और इससे ये वाला घर नहीं दे रहा है यार। एक काम करो, द फीचर्स ऑफ द हाउस आर गुड बट द प्राइस मेक्स अ थिंक अ बेट, एक काम करते हैं 7,500 बोल के देखते हैं ठीक है, 7,500 में देता है तो भाई मैं मान जाऊँगा, 7,500 में दे दो सर। ऑल राइट गाइस, चलो 7,500 में हमने ये वाला घर भी ले लिया है, अभी मेरे पे दो घर हो चुके हैं, और भी घर ले सकता हूँ वैसे मैं, एक ये वाला घर ना ठीक है, क्योंकि रेंट पे जितना ज़्यादा चढ़ाएंगे, ये बहुत महंगा है, रेंट पे जितना ज़्यादा घर चढ़ाएंगे ना भाई उतना अच्छा खासा हम पैसा यहाँ पर कमाएंगे। ये वाला 8,620 का ही है, तो ये वाला ले लेते हैं ठीक है, 8,620, दिस इज़ टू हाई, तो इसको भी डालता हूँ मैं, इसको कितना डालूँ मैं, ये दे देगी यार 7,300 तक भी दे देगी मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है ऐसा ठीक है। ऑल राइट गाइस, चलो 7,300 में एक और घर ले लिया है भाई, अभी मज़ा आएगा ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पे ऑक्शन से काफ़ी सारा सामान भी आ जाएगा, और हम यहाँ पर फिर आराम से घर में सारा सामान चढ़ा भी पाएंगे ठीक है। लेट्स सी, एक बार पहले मैं इस वाले घर में जाकर चेक करता हूँ, ये वाला घर ख़रीदा था ना मैंने अभी, एक सेकेंड, यस, तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, तो ये सारा मेरे को साफ़ करना पड़ेगा पहले यहाँ पर। भाई पेस्ट वाला काम करते हैं ठीक है, पेस्ट कंट्रोल वाला काम मेरे को ही करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कीड़े हो रहे हैं यहाँ पर, आई सेम मेरे दोस्त के जैसा है ये ठीक है घर। ऊपर तो नहीं है कीड़े, नहीं ऊपर कीड़े नहीं है, ऊपर बस कबाड़ा वगैरह है ठीक है। ऑल राइट, फटाफट से मैं वापस अपने हैंड पे आ जाता हूँ, और ट्रैश उठाते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी, ट्रैश को क्लीन करते हैं, इससे स्किल पॉइंट भी बढ़ेंगे अपने हमारे, और यहाँ पर फिर मैं स्किल्स वगैरह भी अनलॉक कर पाऊँगा। ऑल राइट, चलो ये तो क्लीन हो गया, ये भी क्लीन हो गया। ऑल राइट, चलो नीचे का सारा कबाड़ा क्लीन, अभी बस रह गया यहाँ पर साफ सफाई का काम, तो यहाँ पे स्पंज लेते हैं। यार ये स्पंज क्यों दे रखा है यार, इनको ना कुछ और देना चाहिए, दीवार को स्पंज से थोड़ी साफ़ होती है भाई, दीवार पे तो सीधा पेंट होता है, गंदगी हो जाए तो हाँ कपड़ा वगैरह देना चाहिए ना, टावल जैसे हमारा हाउस फ्लिपर वाले में है ना शायद, तब अच्छा लगेगा। ऑलराइट, चलो साफ़ सफाई हो गई इस घर की, इस वाले घर को मैं रेंट पे चढ़ाऊंगा, क्या करूँ उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालूँ या नहीं डालूँ, या ऐसे चढ़ा दूँ उसको, मेरे को लग रहा है कि अगर ऐसे चलाऊँगा ना ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि फर्नीचर के लिए बोला तो यार इसमें 20 फर्नीचर्स का ऑप्शन आ रहा है अभी ठीक है, बट मेरे को उसके लिए पहले जाना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा, मैं इतनी मेहनत करूँ सही में सीरियसली। एक सेकेंड को पहले मैं देख लेता हूँ और कौन सा घर था भाई,
मैप पे जाकर देखना पड़ेगा। एक वाला करा है मैंने, एक आगे करा है। अच्छा, उसी के जस्ट आगे वाला घर था ना, सस्ते वाले घर लिए भाई हमने। ज्यादा महंगे के लिए हमारे को पैसा नहीं था यार, ठीक है, इसलिए हमने सस्ते वाले घर ले लिए खाली। ऑलराइट, ये भी करते साफ। यहाँ पर तो साफ ही है बस। यार ये सिंगल फ्लोर ही था क्या? यार सीरियसली ये सिंगल फ्लोर ले लिया मैंने, इसके कम पैसे मिलेंगे मुझे पता है। फर्नीचर डालना पड़ेगा इसमें अब बेफालतू में। चलो कोई नहीं, देख लेंगे। अभी इतना सारा ऑक्शन जो खरीदा है वो काहे के लिए काम आएगा भाई। ऑलराइट गाइस, अभी भी डर्टी वैल्यू आ रही है यार, कहीं पे गंदगी है क्या थोड़ी बहुत? पता नहीं कहाँ है, देख क्यों नहीं रही है मेरे को। यहाँ तो कहीं नहीं है, यहाँ पर। ओह, यहाँ पर भी रूम है एक, भाई मैं ध्यान ही नहीं दिया सीरियसली। मैंने सोचा बस छोटा सा ही रूम है, मेरे को उतने में ही सामान वगैरह रखना पड़ेगा, बट यहाँ पे एक और मस्त बड़ा सा रूम है। अभी भी डर्टी वैल्यू कहीं तो दिखा रहा है, अब ये डर्टी वैल्यू कहाँ आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट तो मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है। पता नहीं भाई, कुछ तो है, बाहर तो नहीं है? नहीं, बाहर भी नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए छोड़ते हैं इसको, और एक और घर है मेरे पास, उसको भी जल्दी से साफ करते जा करके। आगे है ना वो, इसमें चलते हैं। बट भाई इसमें तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, यहाँ भी कीड़े मकोड़े बहुत दबा के चल रहे हैं, ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा साफ करना पड़ेगा। ऑलराइट, फटाफट से स्पॉन्ज से साफ कर देते हैं इसको। कूड़ा तो उठा दिया मैंने ना, बस यहाँ पर अभी स्पॉन्ज वाला काम रह गया, तो स्पॉन्ज वाला काम करके ख़त्म करते हैं। बाकी गाइस, अभी एक और नई गेम की सीरीज जो है आने वाली है, गेम स्टोर सिमुलेटर। तो यार थोड़ा सा प्यार दिखाना, बाकी स्टेट एजेंट पे भी प्यार दिखाना, ठीक है गाइस। फिलहाल के लिए जल्दी से इसको साफ करते हैं, और यहाँ पे डालते हैं हम थोड़ा सा पेस्ट कंट्रोल वाला, ये कीड़ों को उड़ाने वाला। ऑलराइट, चलो कीड़े साफ, पेट के कीड़े साफ नहीं हो रहे बस। ऑलराइट, चलो ये वाला घर भी हमने पूरा का पूरा क्लीन कर दिया है, बस अब इन सारे घर को हमारे को चढ़ाना है रेंट पे। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ, मेरे पे ना दो कंटेनर्स है, ठीक है, तो दोनों कंटेनर्स का सामान ले आते हैं और थोड़ा थोड़ा घरों में डाल देते हैं, ठीक है यार। अगर तीन बेड हो जाए ना, मज़ा आ जाएगा सही में, ठीक है। नहीं तो मेरे को एक बेड अलग से खरीद के लाना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, फिलहाल के लिए किस पे चलूँ यार, ट्रक पे चढ़ूँ या मेरे मॉन्स्टर ट्रक में आ जाएगा सामान? मेरे मॉन्स्टर ट्रक में यार कम ही सामान आ पाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, वो तो हम मैनेज कर लेंगे। बट भाई अपना जो मॉन्स्टर ट्रक है ना, सही में एक नंबर लग रहा है यार। ओए होले होले होले। अच्छा, इस गेम में फिजिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? तब तो ठीक है, तब तो मैं इसको कहीं भी ठोक सकता हूँ। बट भाई वो सिर्फ स्ट्रीट लाइट पे लगता है लागू हो रही है, नहीं तो और कहीं होगी तो ठुक जाएगी। इधर से आया था ना मैं, शायद कहीं से इधर से आया था, हाँ इधर से आया था। और क्या मेरे को डॉग भी अडॉप्ट करना है एक? तो पहले यार जरा अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ना अपना डॉग भी अडॉप्ट करेंगे। भाई मेरे को ना इस गेम का रास्ता याद हो चुका है अभी, सीरियसली। अभी इधर से सीधा जाने का है मेरे को, और उसके बाद लेने का है राइट, है ना? हाँ शायद शायद राइट, हाँ राइट ही है। भाई इस गेम में काफ़ी कुछ नया आया है, अभी मैं आपको एक्सप्लोर कराने लगूंगा ना तो पूरा का पूरा टाइम चला जाएगा। दिखाता हूँ वैसे मैं अभी आपको ना एंड में, बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या नया आया है। बाकी यहाँ पर मेरे दो कंटेनर्स आ रखे हैं, तो पहले मैं यहाँ पर दो कंटेनर्स को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे गिफ्ट्स है भाई, ये गिफ्ट भी तो कलेक्ट करने हैं मेरे को, कैसे भूल गया मैं। अभी इसमें यहाँ पर है, नाइस यार, अच्छा है। तो अभी इनको फटाफट से प्लेस करते हैं। हाँ समझ गया गाइस, आता है मेरे को, पता है कैसे प्लेस करना होता है सारा आइटम। ऑलराइट, फटाफट से इसको मैं ले जा करके डालता हूँ इसके अंदर, जितना भी आइटम आएगा उतना इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक टेबल है भाई, ये टेबल बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। मतलब ये ना एक किस घर को ना बिल्कुल भाई लग्जीरियस घर में बदल सकती है, इतना ज़्यादा प्यारा आइटम है इसके अंदर। ऑलराइट, चलो एक कंटेनर खाली हो गया है, उसके अंदर था ये सारा का सारा सामान फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी दूसरे कंटेनर के अंदर देखते हैं। भाई दूसरे कंटेनर के अंदर भी काफ़ी सारा सामान है, और काफ़ी प्यारा प्यारा सामान है। डिश वॉशर है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी हो सकता है क्या पता हो वॉशिंग मशीन हो, मैंने ध्यान से देखा नहीं वैसे, ठीक है। बाकी इस वाले में भी काफ़ी सारा सामान है फटाफट से इसमें। अबे बैठने का नहीं था भाई, उतर जा, अभी सामान रखने थे पहले। ऑलराइट गाइस, फिलहाल के लिए हम पहुंच चुके हैं, यही वाला घर है पहला तो, ठीक है। तो पहले इस वाले घर को रेनोवेट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर से बेड, तो बेड मेरे पे ये वाला है, ये वाला बेड लेंगे, ठीक है। ये वाला बेड मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है इस वाले घर के लिए, ठीक है। इस वाले बेड को हम लगाते हैं इस कोने में मेरे यहाँ पर, ठीक है। बेड ये, यार ये कोना बहुत बेकार लग रहा है बेड, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको घुमा करके हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। पीछे करके थोड़ा सा, परफेक्ट, इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारा यहाँ पर टीवी वगैरह आ जाए, ठीक है। ऑलराइट, चलो ये बढ़िया है यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा देता हूँ। भाई देखो अभी बस मेरे को वैल्यू बढ़ानी है, तो इसलिए मैं लगा रहा हूँ, नहीं तो मैं लगाता नहीं वैसे आइटम्स इस घर में, ठीक है। क्योंकि इतने कुछ खास लग नहीं रहे मेरे को ये वाला घर ना, छोटा सा घर है। बाकी यहाँ पर है थोड़ा सा एक और अलमारी, ये वाली अलमारी आ जाएगी यहाँ पर, लेट्स सी। यार ये भी नहीं आ रही है, बड़ी छोटी है यार ये,
ठीक है चलो कोई नहीं, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर ठीक है चलो, यहाँ पर आ रही है, इसको यहाँ लगा देते हैं। ठीक है नाइस, सही लग रहा है अभी फिलहाल के लिए। बाकी दो चार प्लांट्स हैं मेरे पे, दो चार प्लांट्स लगा देते हैं यहाँ पर, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगेंगे क्योंकि। ठीक है एक तो जस्ट इसके इधर लगा दूँ, इधर नहीं, इधर तो अच्छा नहीं लगेगा, इधर कोने में लगा देते हैं। ठीक है एक कोने में, और एक प्लांट और था मेरे पे, रुको। ठीक है वो शायद छोटा है, हाँ ये छोटा है, तो ये ना टेबल के ऊपर आ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा। सामने लगा देता हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है सेंटर पे। अभी टीवी तो है नहीं मेरे पे, नहीं तो मैं टीवी ज़रूर लगाता इस पे, ठीक है थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाता, बट चलो कोई नहीं। और यहाँ पर एक ये है, इसको मैं लगाता हूँ इसके जस्ट यहाँ पर। अभी वैसे यहाँ पर आ सकता है यार वाला पेड़, रुको ये वाला पेड़ यहाँ से उठाओ, इसको बेफालतू में यहाँ रख रहा हूँ मैं, इसके ऊपर आएगा पेड़। नहीं आ रहा है भाई, इसी के ऊपर आएगा। ठीक है वो जगह छोटी है थोड़ी सी एक्चुअली में। ऑलराइट गाइस, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे सारा का सारा सामान रख दिया है। ठीक है इससे ज़्यादा सामान मैं इस घर में नहीं रखने वाला हूँ, अभी वैल्यू भी काफ़ी अच्छी हो रखी है, $4,125 की, तो इतने में हम इसको सेल आउट करेंगे। ठीक है लेट्स सी कहाँ से होता था, टैबलेट से ना, टैबलेट से मैं पहले इस वाले घर को सेल पे डालता हूँ। कैमरा ये रहा मेरा, इससे हम खींच लेते हैं फोटो इसकी। भाई काफ़ी टाइम बाद खेल रहे हैं, अभी तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें भूला हूँ मैं इस गेम की। एक सेकेंड, एक इधर से डाल देता हूँ बस। ठीक है मेरे हिसाब से इतनी काफ़ी होगी अभी के लिए, अभी फटाफट से ना इसको रेंट पे डालते। तो ये है हाउस नंबर 26, तो यहाँ पर मैं इसकी फ़ोटोज़ वगैरह डाल देता हूँ दो चार। इसकी फ्रंट फ़ोटो ये होगी और साइड की फ़ोटो ये डाल देते हैं। और राइट, और इसका प्राइस मैं डालता हूँ यहाँ पे 4,100, मेरे हिसाब से ठीक है यार, चीप दिखा रहा है। वाह, इसको एक काम करता हूँ 4,500 डाल देता हूँ। ठीक है 4,500 सही है, 4,500 बिल्कुल सही है, और इसको डालता हूँ मैं ऐड के लिए। ऑल राइट गाइस, चलो ये वाला ऐड तो मैंने लगा दिया। अभी एक दो घर और है आगे की साइड पे, उनको भी मैं लगाता हूँ। तो एक ये वाला घर है, और इसके बाद एक ये वाला घर है, एक इधर की साइड भी है, पीछे भी तो है, वहाँ पर भी जा सकता हूँ वैसे मैं ना, इसके जस्ट पीछे वाला घर है। तो एक काम करते हैं सीधा बैक ले लेते हैं और इस वाले घर को रेनोवेट कर लेता हूँ मैं। ठीक है आई थिंक सो यही वाला घर है, ये वाला घर है। एक सेकेंड, नहीं यार ज़्यादा पीछे आ गया मैं, इसके आगे वाला घर है। ठीक है इस वाले पे चलते हैं, और इस वाले को भी मैं फटाफट से डालता हूँ। ठीक है इस वाले घर को भी फटाफट से ना अभी हम डालते हैं, और फटाफट से ना इसमें लगाते हैं हम बेड। और इसको कहाँ पर लगाऊँ यार, बेड को यहाँ पर, ये थोड़ा सा अजीब जगह है यार, इसको ना यहाँ पर अंधेरा वगैरह लगेगा। चलो कोई नहीं, इसको यहीं पर लगा देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है बस हमारे को सेटअप ही तो करना है, और इस वाले घर के लिए मेरे पे काफ़ी सारा सामान है। ठीक है तो इसमें मेरे को लगता है काफ़ी हद तक अच्छा पैसा मिल जाएगा। बाहर वाले को हम, भाई वैसे सही रूम मिला है मेरे को ये बिल्कुल। ठीक है इसको यहाँ लगाता हूँ, अभी देखो अभी ना मैं जो टेबल है ना उससे मेरा जो ये रूम है भर जाएगा मेरे हिसाब से। ये वाली टेबल उठाते हैं और इसको ना मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है यहाँ पर कहीं पे एंट्रेंस पे ही, और एंट्रेंस पे ही मेरी यहाँ पर चेयर्स वगैरह लग जाएगी, और तब ये ज़्यादा बेटर लगेगा। चार चेयर है यार, काश मैं अगर इसमें ना तीन चार आइटम एक साथ उठा पाता ना तो ज़्यादा बेटर होता, इंस्टेड ऑफ एक एक करके, भाई बहुत ज़्यादा सामान होता है। ऑल राइट चलो चेयर तो यहाँ पे फिलहाल के लिए लग गई है। बाकी यार मेरे को हॉर्सेस की आवाज़ आ रही है, शायद इसमें हॉर्सेस वाला अपडेट भी आ चुका है क्या, इसमें अब हम यहाँ पर हॉर्स वगैरह भी पाल सकते हैं शायद, मुझे लग रहा है भाई इसमें ना कुछ तो अपडेट आया है। और ये भाई लैम्प कहाँ रखूँ मैं, लैम्प इस पर आ सकता है, नाइस चलो एक काम करते हैं लैम्प रखते हैं इस पर सेंटर पे, थोड़ा सा ये कैंडल लाइट डिनर टाइप का वाला हो जाएगा सिस्टम। ठीक है फोटोज वगैरह खींच लेता हूँ, ठीक है एक और एक साइड से खींच लेता हूँ। ठीक है आई थिंक सो बस दो फोटो काफ़ी होती है यार, है ना, दो फोटो काफ़ी होती है। बस अभी इसको रेंट पे डालने का है, तो जल्दी से इसको भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रेंट पे। ठीक है हाउस नंबर 38, इसकी फ़ोटो ये रही और इसकी फ़ोटो एक और ये रही। इसकी क्या वैल्यू आ रही थी एवरेज, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक सेकेंड, कितनी थी एवरेज वैल्यू, 5,000 भाई आराम से इसको मैं डालूंगा 6,000 का। ठीक है मेरे हिसाब से 6,000 में अच्छे खासे पैसा मिल जाएगा हमारे को ना, 6,000 शायद, 6,000 परफेक्ट होगा है ना, 6,000 में डाल देते रुको इसको, लेट्स सी 6,000 अगर वो नहीं गया ना, नहीं यार एक्सपेंसिव जा रहा है, रुको 6,000 में डाल के चेक करता हूँ, एक्सपेंसिव तो जा रहा है, बट एक काम कर सकता हूँ फिर 5,800, मेरे हिसाब से 5,800 सही है। ये भी एक्सपेंसिव ही जा रहा है, एक काम करो फिर 5,500 डाल लो। वैसे भी यार 8,000 का घर लिया हुआ है इतना भी क्या लूटना किसी बंदे को ना। ठीक है बाकी अभी यहाँ पर और भी घर हैं, तो उनको भी फटाफट से डालते हैं, पैसा भी तो कमाना है भाई इसमें। ठीक है एक ही फ़ोटो ले रहा हूँ अभी के लिए मैं, बाकी इधर की साइड पे था एक घर 34 वाला, ये वाला। ठीक है तो इसको भी मैं ऐसे खींच लेता हूँ। ऑल राइट अभी बस इनकी वैल्यू चेक करते हैं और इनको भी सेल पर डालते हैं, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करूँगा मैं। 1650 है, 2,000 तक मेरे हिसाब से कोई भी ले लेगा हंस हंस के। ठीक है तो इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर
24 है, 24 वाला नहीं है ये, 24 वाला नहीं है ये, जी 24 वाला है, 34 वाला है ना ये, एक सेकंड, पहले 34 वाले को डालते हैं। 34 वाला ये रहा, और इसकी वैल्यू डालता हूँ मैं 2000 मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं भाई, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव चला गया यार। इसको मैं 1800 डाल सकता हूँ शायद, फिर 1800 ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी फिर है दूसरा वाला घर जो है कि मेरा 24 वाला, ठीक है। एक बार चेक करते हैं 24 वाले की वैल्यू 1650, तो एक काम करते हैं इसको मैं डालता हूँ, ये भी सेम ही रेट पर जाएगा ना मेरे हिसाब से। फिर 1650 बोला है, ये वाला घर है, इसको मैं डालता हूँ 1600, नहीं 1600 नहीं, 1800 डाल के चेक करते हैं। 1800 एक्सपेंसिव, ठीक है भाई 1800 ही ले लेंगे, इससे ज़्यादा रेंट नहीं लेना क्योंकि इसमें हमने यहाँ पर सामान वगैरह नहीं दिया है, ठीक है। फिलहाल के लिए जल्दी से चलते हैं घर पे, एंड देन लेट्स सी, क्या पता हमारे को कल यहाँ पर कस्टमर्स देखने को मिल जाएं, ठीक है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर कबाड़ा हो रहा है बहुत सारा, तो जल्दी जल्दी एक काम करते हैं, यहाँ से कबाड़ा डालते हैं इसके अंदर। बाकी यार मेरे को अपना जो ऑफिस है ना उसको थोड़ा सा अच्छा बनाना है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अगर इसको मैं अपग्रेड वगैरह कर सकता हूँ। बट उससे पहले भाई गाइस काफ़ी सारे कस्टमर्स आ चुके हैं, तो जल्दी से पहले इस बंदे से बात करते हैं, ये कितना बोल रहा है। वेलकम, कैसे हो सर, कितने का लेना चाहते हो भाई? वैसे 21 दिन के लिए लेना चाहता है इसको, मैं बता देता हूँ भाई 1800 रुपये है, ठीक है। हाँ हाँ दिस इज़ सो चीप, गिव मी द कीज क्विकली। भाई इसको दिक्कत ही नहीं है, $1800 में लेकर जाने वाला है ये, क्या करूँ $1800 में दे दूँ फिर इसको? चल जा यार, ले जा ले तू, जा $1800 में लेकर जा। यहाँ पर एक और बूढ़े जी आ रखे हैं ये, अबे बात करो ना, क्या हुआ? चला गया भाई, पता नहीं क्या हुआ इसको एकदम से। फिलहाल के लिए इससे बात करते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। यार अभी तो तुम आए हो, इतनी जल्दी भी क्या है भाई तुम्हारे को जाने की? एकदम आ रहे, एकदम जा रहे, आई एम इन अ बिट ऑफ हरी। हाँ हाँ भाई कर तो रहा हूँ बात, जल्दी बताना। इसको 15 दिन के लिए चाहिए घर, इसको मैंने बता दिया कि मैं 5000 दूंगा, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ ओवर माई बजट भाई, मैं नहीं देने वाला, निकलने आते चल, इससे कम में नहीं दूंगा मैं, ठीक है। मेरे को कम से कम चाहिए इसके भाई, जो घर मैंने प्रॉपर रेनोवेट किया ना उसके तो मैं पूरे पैसे लेने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। बट यू कीप मी वेटिंग फॉर टू लॉन्ग, नहीं 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 सॉरी, इसको चाहिए 23 दिन के लिए, ठीक है। $4500 है, मैंने बता दिया इसको, दिस इज़ अ लिटिल हाई अमाउंट फॉर मी, आई सपोज आई कैन एक्सपेक्ट इट इफ़ इट वुड बी 3150। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इसको डिस्काउंट देता हूँ और इसको बोलता हूँ भाई $4000 में चाहिए तो बोल, नहीं चाहिए तो निकल लें यहाँ से, ठीक है। $4000 चाहिए भाई, मैं $4000 चाहिए बस मेरे को, मैं नहीं दे रहा तेरे को, निकल लें यहाँ से भाई। इतना अच्छा खासा रेनोवेशन किया है मैंने उसमें, मैंने इसलिए किया है क्या? इन वाली मैडम से पूछता हूँ भाई, वैसे लेडीज़ को देंगे ना थोड़ी साफ सफाई भी रखेगी। लेट्स सी, $5500 बोल रहा हूँ मैं इसको, 2+1 के, ठीक है। ये बोल रही है 4676, तो इसको मैं एक डिस्काउंट देता हूँ और इसको बोलता हूँ मैं अगर ये $5000 में लेना चाहती है तो ठीक है, नहीं तो निकल लें यहाँ से $5000 में। 5000, ओह भाई 5207 दे रही है, मैं 5000 बोल रहा हूँ, 5207 दे रही है। और लेट गाइस, एक्सेप्ट करते हैं और इसको ये वाला रूम दे देते हैं। एक चीज़ तो इसने बता दिया कि ये 100% लड़की है इसको बोल देता हूँ भाई, ठीक है। फिलहाल के लिए एक और रूम गया, यहाँ पर एक लेडी और आ रखी है। मैम बस एक मिनट रुक जाइए, फटाफट से इसको भी यार ये वाला रूम देते हैं, ये 12 दिन के लिए लेने आई है, $1800 मैंने डाला हुआ है। ऑल राइट, ये लेने को रेडी है भाई, इसको $1800 में ये वाला घर भी दे दिया मैंने। बाकी यहाँ पर एक मैडम और आई है, आंटी जी हैं शायद ये ना, एमिली नाम है इनका। हाँ आंटी जी बस एक मिनट, 17 दिन के लिए इनको घर चाहिए, 4500 मैंने डाला हुआ है और ये रेडी है भाई। सीरियसली लेडीज़ ने एकदम से मान गई, ठीक है, और बंदों को देखो आकर के ड्रामे कर रहे हैं। अरे मैडम आपको भी चाहिए था क्या घर? अरे गायब हो गई बे, हद होती है भाई गायब हो गई। चलो फिलहाल के लिए यार मैं क्या बोल रहा था, अभी हाँ अभी यहाँ पर भी एक गिफ्ट रखा है, इसको ले लेता हूँ मैं। अभी मेरे पे 3 ही हुए हैं, मेरे को 24 कलेक्ट करने हैं। बट उससे पहले मेरे को थोड़ा सा ना ऑफिस जो है अपना रेनोवेट करना था, तो अंदर से मेरे को रेनोवेट करना है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर कुछ रेनोवेशन का आया है क्या। ओह भाई काफ़ी प्यारे प्यारे आए हैं यार इसमें, वैसे मेरे को यार याला ज़्यादा बेटर लग रहा है, बट इसमें चिमनी विमनी है, थोड़ा सा ओल्ड लुक दे रहा है और ये थोड़ा सा नया लुक दे रहा है, बट इसमें सोफाज वगैरह हैं, तो एक काम करते हैं ये वाला ले लेते हैं $5000 में, ठीक है। गाइस अभी हमने यहाँ पे अपना इंटीरियर भी मस्त कर दिया है, क्या प्यारा लग रहा है यार इंटीरियर, सही में बहुत ही मस्त, लाइक प्रीमियम वाला लुक आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है भाई। अभी मेरे को जाना है पैसे लेने के लिए, तो जल्दी से चलते हैं और पैसे लेते हैं भाई आज के, पता नहीं क्या होने वाला है, वो पैसे देंगे नहीं देंगे। अभी मैं जा, अभी मतलब मैं ना उससे नहीं जा रहा अपने यार ट्रक से ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा सिर्फ आने जाने में। फिलहाल के लिए जल्दी से पूछते हैं कितना ऑफर, कितना दे रहा है ये पैसा अभी। हेयर यू आर, आई केम टू द रेंट, आई एम पेइंग राइट अवे। ओके ये दे रहा है रेंट मेरे को यहाँ पर, ठीक है भाई। 5800 ही देगा क्या खाली? नहीं 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 भाई, इसने मेरे को 10000 रेंट पे किया, 10000 रेंट पे किया, इसने ज़्यादा पे किया है मेरे को।
$22,000 हो गए, क्योंकि सीधा मुझे लग रहा है शायद कुछ तो है। तीन तीन दिन का दिया है क्या इसने? पर मैं तो दो ही दिन आया था ना, या एक दिन। अच्छा हाँ याद आया मेरे को, वो एक दिन वाला बीच में वो भी तो हो गया था ना गैप, शायद इसने उसका भी पैसा दिया है मेरे को। बाकी इससे बात करते हैं, लेट्स सी। आज भी ये देता नहीं देता पैसे यार, ये बोल रहा है आज भी नहीं है पैसे मेरे पे। इसको आज आज का टाइम और दे रहा हूँ मैं, अगर इसने पैसे नहीं दिए ना भाई इसको मैं छेतूंगा, ठीक है? फिर देखना इसकी मैं बैंड बजाऊंगा, इसके 5 दिन के पैसे हो गए हैं सीरियसली, है ना। ऑलराइट, तो गाइस इस एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए एपिसोड के साथ। ओके गाइस, बाय बाय।